दामी दुआ बड़ा फ्रेंड सब मिलके बाबा जी बरंतर सलावत अल्लाह सल्ली अला मोहम्मद मैं अब दुआ के लिए कितना हाशिम मजा देख सकते हैं पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत अल्लाहु अकबर सल्ली अला हाजी भाई हाजी भाई जबरदस्त बिस्मिल्लाह Get in there, man. You're like cameraman, you're like, wait. Muhammad, मोमिनीन ग्राम बस दो मिनट सुन लीजिए, मुझे पता है मीर साहब के बाद अब क्या सुनेंगे और क्या पढ़ेंगे। हम सब इनको सुनने के लिए आए थे और खुदा इनको सलामत रखे। मैं बस दो जुमले कहूँगा। कुछ लोगों पर हम जब सुनते हैं ना महफिल नात कसीदा हम या मजलिस, कुछ लोगों के लफ्ज़ों को दाद देते हैं, कुछ के पढ़ने के तरीके को दाद देते हैं। लफ्ज़ों से इख्तलाफ भी हो सकता है लेकिन उनका अंदाज अच्छा होता है, दाद देते हैं। मीर भाई ऐसी शख्सियत है कि इनके लफ्ज भी लायक दाद होते हैं और इनका पढ़ना भी वाजिब दाद होता है। कुछ लोगों पर इनको देख के लगता है यकीनन कि कुछ लोगों पर सियादत जेब देती है, तो ये यकीन उनमें से एक शख्स है। खुदा इनको जिंदा सलामत रखे। इश्तहार में लिखा हुआ था कि इख्तितामी दुआ हाशिम गदीर साहब करवाए। भाई दुआ किसी नबी से कराएं, किसी वली से कराएं, मौलवियों की दुआ कबूल होती ना तो अब तक अमेरिका तबाह हो चुका होता। जितना मौलवियों ने बद्दुआएं दिया ना अमेरिका को, अब तक तबाह हो चुका होता। लिहाजा दुआ अपने मोमिनीन के लिए कर देंगे। मीर भाई ने करवा भी दी है और सबसे अफजल दुआ वही है जिक्र हुसैन के दरमियान में हो जाए। शेख अहमद वायली इराक के एक बड़े बुजुर्ग आलिम दीन खतीब गुजरे हैं। आंखों से वो नाबीना हो गए थे, एक्सीडेंट हुआ था, डॉक्टर थे, आंखों से नाबीना हो गए। जरा बैठ जाए ताकि दो मिनट गुफ्तगू हो जाए। केक आपके लिए ही है, मैं नहीं खाऊंगा, मीठा इतना नहीं खाता हूँ, आप लोगों के लिए। तो शेख अहमद वायली इराक के एक बड़े खतीब गुजरे हैं, तीन चार बड़े खुतबा अरबी में, उनमें से एक का नाम शेख अहमद वायली। मजलिस पढ़ रहे थे और डॉक्टर थे पेशे के लिहाज से, एक कार एक्सीडेंट में नाबीना हो गए। एक शख्स मजलिस पढ़ रहा था, 8 मुहर्रम को या 7 मुहर्रम को मौलाना अब्बास की मसाइब पढ़ रहा था। उसने एक जुमला कहा कि उस खतीब ने जुमला कहा कि मेरी अकीदत यह है कि इन अजादार के आंसुओं में भी खाके शिफा की तरह तासीर होती है। बिल्कुल ये जुमला सुना अहमद वायली ने, तो उसने अपने साथ बैठे हुए अजादार के चेहरे से आंसुओं को उतारा, अपनी आंखों पे लगा दिया। और वो खुद लिखते हैं अपनी किताब में कि अभी मैं मजलिस खत्म करके घर नहीं पहुंचा था कि मेरी आंखें ठीक हो गई। ये जो भी आप सुन रहे थे ना कि चंद आंसुओं के इवज कायनात ले जाओ, ये सिर्फ शायर का शेर नहीं है, ये
ये एक अस्करी हकीकत है जिसको बताया नहीं जा सकता। लिहाजा बस दो जुमले सुन लीजिएगा, दुआएं हो चुकी है। हमारे यहाँ अलमिया ये हुआ कि सरवर आलम को, रसूलल्लाह को इतना नजरअंदाज कर दिया गया मिंबर से कि उनके नाम पर लोग ही नहीं आते हैं। हाँ, लोग नहीं आते, ये कोताही है, ये जुल्म सरवर आलम के साथ। और इसका सबब क्या था? बस एक जुमला, मैंने तकलीफ नहीं करी, बस एक जुमला। वो ये सबब था कि बाज लोगों ने ये किया कि उन्होंने कहा कि पहले तो 63 बरस में से 40 साल रसूल ही नहीं थे, तो सिर्फ 23 साल बचे, 23 साल में से आधा वक्त उन्होंने सोवे गुजार दिया, तो नबुवत का अमल नहीं किया, तो 11.5 साल, 11.5 साल में से आधा अरसा घर में रहे तो वो आधा साल माइनस हो गया, फिर उसमें से कुछ अरसा जंगे करते रहे वो माइनस हो गया, तो कट कट आके रिसालत के 4-6 महीने बनते हैं। तो जिनके पास नबुवत सिर्फ 4-6 महीनों की होती है ना, उनके नाते हलीमा सादिया की बकरियों तक महदूद रहती है। और जिनका नबी ये कहता है ना कि अव्वलो मा खलक अल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरा नूर खल किया था, उनके मानने वाले जब नाच पढ़ते हैं तो वो मंजर होता है जो आज हमने यहाँ पर देखा है कि हमारी नाच का आगाज ही शबे मेराज के पर्दे से होता है। बस एक जुमला, अल्लाह के रसूल ने कहा था ना अव्वलो मा खलक अल्लाह नूरी, रोजे आमद सैयदुल अंबिया है, रसूल ने फरमाया सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को खल किया, मदीना मस्जिद नबवी का मिंबर, बहुत से लोग बैठे हुए, किसी ने सवाल कर दिया कि अगर सबसे पहले आपका नूर बनाया तो किस शय से बनाया, तो रसूल ने फरमाया अगर किसी शय से बनाता तो वो शय हमसे पहले होती, वो शय हमारे नूर से पहले होती तो हम अव्वल ना होते। अल्लाह ने हमारा नूर किसी शय से नहीं बनाया। फिर कहा कि अल्लाह ने आपका नूर कैसे बनाया, फरमाया अल्लाह ने मेरे नूर को अपने नूर से मुश्तक करके बनाया, अपने नूर से मुश्तक किया। मुश्तक का मतलब होता है निकालना, अपने नूर में से ही निकाला। बस ये आखिरी जुमला, हमारे अकीदे में खुदा जिसकी तखलीक में किसी लाश शय को भी शरीक नहीं करता वो मोहम्मद मुस्तफा हुआ करता। और छन छन के नबुवत की जो बारिश से बने हो, छन छन के नबुवत की जो बारिश से बने हो, ये जो छन छन है ना इसका मतलब नहीं होता, ये एक आवाज है जिसको शहरी अंदाज कोशिश किया मैंने कि छन छन के नबुवत की जो बारिश से बने हो वो सारे बोहर आवे रवा ढूंढ रहा है और साया तो ना मिल पाया उसे, तेरा है आका सूरज तेरे कदमों के निशान ढूंढ रहा है। दुआ करते हैं परवरदिगार से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या महमूद व बिहक मोहम्मद, या आला व बिहक अली, या फातिर समावात बिहक फातिमा, या मोहसिन व बिहक हसन, या कदीम अल एहसान बिहक हुसैन अलैहि सलाम। परवरदिगार तुझे वास्ता उनका जिनका तू वास्ता कभी रद्द नहीं करता, हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। परवरदिगार जो जो मोमिनी इस वक्त इस बज़्म में मौजूद हैं, इन उठे हुए खाली हाथों को रहमतुल लिल आलमीन के सदके में रहमत से माला माल फरमा। परवरदिगार जो बीमार हाल है उनको शिफाए कामिला अजला अता फरमा, जो मोहताज हैं परेशान हैं तुझे वास्ता मुश्किल कुशा का उनकी परेशानियों को दूर फरमा। दुनिया में जहाँ जहाँ मोमिनीन मुश्किलात का शिकार हैं, खास तौर पर इन दिनों में जो अफगानिस्तान में पिछले 2 हफ्तों से मुसलसल मोमिनीन पे हमले हो रहे हैं,
परवरदिगार तू इन जालिमों के शर से मुमहीन की जान और माल को महफूज फरमा। दुनिया में जहाँ जहाँ सैयद शहदा का जिक्र करने वाले मातमी नदार मौजूद हैं उनके जिस्म और जान को सलामत फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता उनका जिनका तू वास्ता कभी रद्द नहीं करता। हमारे दिलों में जो शरई हाजात हैं उन्हें बहक के मोहम्मद और आले मोहम्मद अपनी बारगाह से शरफ़ कबूलियत अता फरमा। परवरदिगार हमारी आखिरी दुआ और सबसे बड़ी दुआ अपनी आखिरी हुज्जत इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। परवरदिगार हमारी गुनहगार आंखों को इमाम के ज़हूर का दीदार अता फरमा। परवरदिगार दुश्मनान अज़ाब को निस्तो नाबूद फरमा। हमें तौफीक दे के इमाम के सिपाही बनकर कातलान अहले बैत से बदला ले सकें। रब्बना तकब्बल मिन्ना बि अहसनिल क़ुबूल इन्नल्लाह وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما।